अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जी आज हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट, यानी एंड असेसमेंट। अच्छा, इसमें होगा क्या? बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट के बारे में आप जानते हैं कि हम इंसानों को जज करने के लिए इंसानों की एट्रीब्यूट्स को, उनकी बिहेवियर्स को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके एटीट्यूड्स को, उनके एप्टीट्यूड्स को, यानी इंसान की जितनी भी खसूसियात हैं, उन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में टेस्ट मौजूद है, जिनको जो है वो हम डिस्कस करते हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर उस उनकी मदद से जो है वो हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव स्कोर्स हासिल करते हैं, और फिर उनकी बेस पे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि फलां शख्स जो है वो किस स्टेटस पर मौजूद है, मेंटल हेल्थ के या पर्सनैलिटी के या एटीट्यूड के या बिहेवियर के। तो जब हम बात करते हैं इन तमाम चीजों की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, इसके रूट्स क्या है, कहाँ से ये शुरू हुई थी, किन किन लोगों ने इसमें काम किया। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो ये इसमें से लाजमी कोई ना सवाल आ जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हो, चाहे वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हो, चाहे वो बिहेवियरल न्यूरोसाइंस की हो, चाहे वो अप्लाइड साइकोलॉजी की हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से उनमें से वो तमाम लोग होते हैं जिन जिनसे होती हुई वो फील्ड हमारे तक पहुंची है। तो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम चाइना में। चाइना में क्या था जी, बेसिकली 4000 साल पहले साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट जो है वो चाइना से शुरू हुई थी। अब चाइना क्या करता था, वहां पर जो सिविल सर्विस थी, जिस तरह हमारे CSS पास करके लोग आते हैं, या PMS या PCS पास करके, जो अभी PSC पास करके लोग आते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जिस तरह मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ, ठीक है, PPSC क्लियर करके आया हूँ। तो उस वक्त जो सिविल सर्विस थी उनकी, उनमें जो लोग रखे जाते थे, उनकी एबिलिटीज को, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट करते थे। उनकी एबिलिटीज चेक करते थे कि वो किस हद तक जो है वो उनके अंदर काबिलियत मौजूद है, उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उनके एथिकल, या मैं एक चीज लिखना भूल गया, एथिकल जो उनकी स्टेटस था उसको भी चेक किया जाता था। उसके बाद भी पोस्ट रेनेसेंस पीरियड आ गया 7वीं सेंचुरी में। अब यहाँ पे क्या था, आइडियाज, इवेंट्स एंड वेरियस फिनोमिना बिगेन टू बी व्यूड साइंटिफिकली। अब यहाँ पर जो है वो चीजों को 7वीं सदी में चीजों को जो है वो साइंटिफिकली देखना शुरू किया गया। साइंसदानों ने या फिलोसफर्स ने चीजों को साइंटिफिकली देखना शुरू किया। तब जो जाके, यार इब्राहिम क्या कर रहे हो यार आप, तब जाके जो है वो उन्होंने एक सोच का, किसी चीजों को, चीजों के बारे में नॉलेज हासिल करने के लिए एक सोचने का तरीका जो अख्तियार किया वो साइंटिफिकली था। सोच के उस तरीके को हम इम्पीरिसिज्म कहते हैं, यानी इम्पीरिसिज्म जो है वो 7वीं सेंचुरी में जो है वो मारज़े वजूद में आया। इम्पीरिसिज्म का क्या मतलब है जी, ऑल नॉलेज ऑब्टेंड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। वो कहते हैं कि जो जितना भी हम नॉलेज हासिल करते हैं ना, वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू हासिल करते हैं। पहले, इससे पहले क्या होता था, पहले बेसिकली लॉजिक के थ्रू नॉलेज हासिल करते होते थे। लॉजिक के थ्रू नॉलेज कैसे हासिल करते थे कि सोचना, एक चीज को देख लेना, मतलब ये मेरे सामने माउस पड़ा हुआ है, अब मैंने इसको देखा और इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इंट्यूशन, जो स्ट्रक्चरिज्म वालों ने जो इंट्यूशन का काम किया था, अब मैं इसके बारे में सोचता गया, यार ये कैसे होगा, अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिस तरह लोगों का उस वक्त खुदा के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो था कि खुदा है नहीं है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उन्होंने कहीं बाहर से आइडिया नहीं लिया, उन्होंने अपने अंदर से ही, अपने दिमाग तो ही सोच सोच के उन्होंने खुदा की शक्ल भी बना ली, खुदा की चाल ढाल भी बना ली, खुदा का स्टाइल भी बना लिया कि खुदा ऐसा होगा, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, क्यों, उनकी लॉजिक कहती है। लेकिन 7वीं सेंचुरी में फिर चीजों को साइंटिफिकली देखा जाने लग पड़ा थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस। यानी सेंसरी एक्सपीरियंसेस मीन कि जो चीजें वो देखते थे, जो वो सुनते थे, महसूस करते थे, ठीक है, और जो है वो टच करते थे, तो सेंसेस के थ्रू जो है उन्होंने नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया। दिस इज मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू द अदर मोड ऑफ नॉलेज। आगे आ गया जी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट सच एज गस्टॉफ विचनर, विलियम वॉन्ट एंड हरमन एबिंगहॉस डिस्कवर्ड दैट साइकोलॉजिकल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ रैशनल एंड क्वांटिटेटिव वे।
अब ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट आ गए जिनमें गस्टॉफ फिचनर था, विलियम वॉन्ट था, हरमन एबिंगहॉस, इन्होंने फिर डिस्कवरी की कि ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना होते हैं ना, इनको हम क्वांटिटेटिव वे में भी, नंबर्स की शक्ल में भी, जिस तरह आज का नाम डिप्रेशन का पता करना है तो डिप्रेशन का स्केल अप्लाई कर लिया, जिसका स्कोर 70 आ गया है, 50 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्वांटिटेटिव वे में हम साइकोलॉजिकल फिनोमिना को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए कितने कॉन्सेप्ट बनते हैं, अगर आपने ये हिस्ट्री पढ़ी होगी आपको याद होगी, आप कई कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। पहली दफा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बात हुई कि एवरी पर्सन हैज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, इट्स ओन यूनिकनेस, वो आइडिया दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। उसने फर्स्ट टाइम यूज अ क्वेश्चनियर टू मेजर मेंटल एबिलिटी, पहली दफा उसने मेंटल एबिलिटी को जज करने के लिए सवालनामे का इस्तेमाल किया, जो आजकल हम करते हैं क्वेश्चनियर का, या जो आपके स्केल होते हैं। फ्रांसिस गाल्टन वाज द फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी, यानी से जैसे मैंने आपको कहा ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे इसने बात की, तो वो स्कॉल जो बेसिकली फ्रांसिस गाल्टन था उसने डिफरेंशियल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी और साथ साथ जो साइकोमेट्रिक्स की बुनियाद रखी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोमेट्रिक्स इज द सेकंड नेम ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट। आपको पता होगा कि जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट की किताब पढ़ते हैं तो कई किताबों के ऊपर टाइटल जो है वो साइकोमेट्रिक्स का भी लिखा हुआ होता है। बेस्ड ऑन गाल्टन क्वांटिटेटिव मेथड द कोरिलेशन टेक्निक केम इन टू बींग। गाल्टन के क्वांटिटेटिव मेथड की बेस पे जो कोरिलेशन टेक्निक है, जो पियर्सन ने दी थी बेसिकली, ये जिसको हम कहते हैं पियर्सन, कोरिलेशन का पूरा नाम किसी को आता है क्या है? हम कोरिलेशन तो हमेशा लफ्ज यूज करते हैं, लेकिन हम जब रिसर्च में लिखते हैं तो हमने पूरा इसका नेम लिखना होता है कि जी हम फलां टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो मुझे कोई बताए कि इसकी पूरी टेक्निक का नाम क्या है, आपने जरा जल्दी बताना है जिसको आता है, क्योंकि ये जो हमारी वीडियो है ना फिर लंबी हो जाएगी। अच्छा आई थिंक के जब जब भी हम किसी रिसर्च में या किसी भी जगह पे जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप देखते हैं ना, और हम लिखते हैं कि जी हम कोरिलेशन, तो हम लिखते हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये कोरिलेशन का पूरा नाम है, हमने ये लिखना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें आता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं आता, लेकिन अब जो है वो आपको मैंने बता दिया है, तो ये जो है इसको आपने कवर अप करना है, इसकी आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन को बेसिकली जब भी आपने, अब इसका क्या था कि गाल्टन ने चूंकि क्वांटिटेटिव चीजें बताई थी, उसने कहा था, उसने सवालनामा यूज किया था, उसने कहा था कि चीजों को जो है वो मैयर किया जा सकता है सवालनामे के थ्रू, ठीक है। तो ये जो गाल्टन का काम था उसने उसकी बेस पे जो है फिर आगे चल के पियर्सन ने कोरिलेशन की टेक्निक बनाई। आगे बात आ जाती है जी एल्फर्ड बीने। ये बीने के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, बीने के स्पेलिंग तो BINET, ठीक है, उससे गलती हो सकती है, ये बीने के यहाँ पे भी गलत स्पेलिंग लिखे हुए। असल में मैं ना बोल बोल के जो है वो टाइपिंग करता हूँ, मैं मोस्टली जो है वो लिख के टाइपिंग नहीं करता, तो इस वजह से जो है वो कहीं समटाइम जो स्पेलिंग है ना वो गलत दे देता है इसमें। खैर बहरहाल, अच्छा जी, एल्फर्ड बीने वाज आल्सो हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय गाल्टन्स वर्क। ही स्टडीड अंडर प्रिविलेज्ड एंड रिटार्डेड स्कूल चिल्ड्रन टू सी इफ दे कुड लर्न। ये जो बीने था ना बेसिकली, जिसने इंटेलिजेंस टेस्टिंग की बुनियाद भी रखी थी, एल्फर्ड बीने ने ना ये बड़ा इन्फ्लुएंस लिया इसने गाल्टन के वर्क से, क्योंकि गाल्टन ने जो है वो मेंटल एबिलिटी को चेक किया, ठीक है, सवालनामे की सूरत में, तो ये बड़ा मुतासर था उससे। इसने जो है वो फिर जो रिटार्डेड बच्चे होते थे ना स्कूल के स्टूडेंट, उनकी जो है वो बेसिकली उनकी कैपेसिटी को चेक किया इसने, और देखा कि ये स्कूल में जो है वो किस हद तक ये चल सकते हैं। एल्फर्ड बीने डेवलप्ड मेनी टेस्ट इंक्लूडिंग टेस्ट फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड टेस्ट फॉर कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज मेमोरी वगैरह। उसने बहुत सारे टेस्ट जो है वो बनाए जिनमें छोटे छोटे मसाइल को जज करने के टेस्ट भी थे, और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे
जो है वो हायर ऑर्डर फंक्शनिंग जैसे मेमोरी वगैरह है उसको जज करने के भी टेस्ट थे। ही आल्सो डेवलप्ड टेस्ट टू टेस्ट द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। इस तरह उसने जो है वो डिफरेंट एजेस के बच्चों की एबिलिटीज को चेक किया, और उसने जो है वो इन शॉर्ट के मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में उसने डिफरेंस भी मालूम किया। उसने देखा कि मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। तो इस तरह जो है वो उसने काफी काम किया इसमें। बीने एंड हिज असिस्टेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जो है वो बेसिकली बीने का एक असिस्टेंट था साइमन, थियोडोर साइमन। बीने एंड हिज असिस्टेंट्स थियोडोर साइमन मेड, आपने बीने साइमन का नाम सुना है ना, बीने साइमन ने इंटेलिजेंस टेस्टिंग की, तो ये बेसिकली उसका पूरा नाम थियोडोर साइमन था। बीने एंड हिज असिस्टेंट थियोडोर साइमन मेड मेनी थिंग्स दैट द वर्ल्ड लव्ड, एंड इन 1911 दे प्रेजेंटेड देयर फाइनल टेस्ट वर्जन। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे काम किए और 1911 में जो है वो उन्होंने अपना फाइनल वर्जन एक दिया। आगे आ गया जी, लेविस टर्मन इन अमेरिका एडमिनिस्टर द बीने साइमन स्केल ऑन लार्ज सैंपल एंड स्टैंडर्डाइज्ड इट। अच्छा, ये जो है वो बेसिकली अमेरिका में लेविस टर्मन नाम का जो एक साइंटिस्ट था या साइकोलॉजिस्ट था, जो भी था ये, उसने बीने साइमन स्केल को बहुत बड़े सैंपल पे एडमिनिस्टर किया और उसको फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया। जब आप स्टैंडर्डाइज करते हैं ना चीजों को, तो फिर आप बड़े बड़े सैंपल्स में उनको जो है वो एडमिनिस्टर करके उनकी स्कोरिंग लेके उनके फिर जो है वो नॉर्म्स बनाते हैं। तो इस तरह उसने जो है वो बहुत बड़े सैंपल पे इसको एडमिनिस्टर करके इसको स्टैंडर्डाइज किया, और उस तब से जो है ये स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल जो है उसके नाम से ये मशहूर हो गया ये टेस्ट। ठीक है जी, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस टेस्ट हम कहते हैं उस वक्त से जब ये थियोडोर साइमन, सॉरी, ये लेविस टर्मन ने इसको स्टैंडर्डाइज किया। अच्छा, पियर्सन वाज इंस्पायर्ड बाय गाल्टन्स वर्क एंड रोड रिसर्च पेपर्स दैट बिकेम द बेसिक फॉर द रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशनल कॉफिशियंट एंड काई स्क्वेयर। पियर्सन जो था, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब गाल्टन ने क्वांटिटेटिव काम किया, उसने सवालनामा यूज किया मेंटल एबिलिटीज को जज करने के लिए, तो पियर्सन बड़ा उससे मुतासर हुआ और उसने बड़े पेपर लिखे, रिसर्च पेपर इस पे लिखे, और आहिस्ता आहिस्ता उसने जो है वो सारी जो उसकी रिसर्च थी उसके बेस पे जो है फिर वो आगे रिग्रेशन एनालिसिस वजूद में आ गया, कोरिलेशन वजूद में आ गई, और काई स्क्वेयर के टेस्ट जो है ये वजूद में आ गए। थर्स्टन डिजाइन टेक्निक फॉर मेजरिंग स्केल्स ऑफ असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड। थर्स्टन बेसिकली वाज एन इंजीनियर, ठीक है, और इसने क्या किया के एक बनाया, इसने स्केल की टेक्निक यूज की जिसमें जो है वो इसने इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्टिंग को जो है वो मेजर किया, साथ उसने एटीट्यूड को मेजर किया। रेमंड कैटल प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थेरीज। रेमंड कैटल की पर्सनैलिटी थेरी का आपने नाम सुना होगा, एंड यूज एम्पिरिकल टेक्निक टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। रेमंड कैटल का एक बहुत बड़ा नाम है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी थेरीज में, उसकी अपनी पर्सनैलिटी थेरी है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने कहा पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, पर्सनैलिटी को समझने के लिए कि पर्सनैलिटी किन किन चीजों से मिलके बनती है, उसके लिए इम्पिरिकल टेक्निक्स यानी कि साइंटिफिक टेक्निक्स जो है वो आप यूज करेंगे। इम्पिरिकल टेक्निक जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नॉलेज थ्रू सेंसेस, एम्पिरिसिज्म हम उसको कहते हैं, क्योंकि उससे पहले जो था वो जब पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया जाता था तो जिस तरह फ्रॉयड ने किया कि जनाब वो अपने ही क्लिनिक क्लाइंट्स की बेस पे उसने बना दी सारी जो है, उसके अलावा पहले जब लॉजिक का इस्तेमाल होता था पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कि फलां की पर्सनैलिटी ऐसी है फलां की ऐसी है, लेकिन इसने कहा कि नहीं, देयर शुड बी अ साइंटिफिक वेज टू जज द पर्सनैलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी कांट बी असेस थ्रू लॉजिक, कि पर्सनैलिटी जो है वो लॉजिक के थ्रू असेस नहीं हो सकती, बट वी मस्ट हैव टू यूज द एम्पिरिसिज्म, इम्पिरिकल एंड साइंटिफिक वेज एंड टेक्निक्स एंड मैथड्स एंड डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च टेक्निक्स टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी एज वेल। आगे जाता है जी, रेमंड एक्सटेंडेड एग्जिस्टिंग फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस आप में से शायद किसी ने पढ़ा हो, दिस इज अ साइंटिफिक, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट वी यूज्ड व्हेन वी डेवलप अ न्यू इंडिजिनस टेस्ट फॉर पाकिस्तानी पॉपुलेशन, एंड जहां भी आप रहते होंगे जब उसकी जुबान में टेस्ट बनाएंगे तो आप उसको इंडिजिनस टेस्ट कहेंगे। तो जब इंडिजिनस टेस्ट किया जाता है तैयार, तो उसका जो है वो उसको
रिलायबिलिटी और वैलिडिटी निकालने के लिए, उसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए, उसको रिलायबल वैलिड बनाने के लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। फिर उसने जो है वो पहले से जो फैक्टर एनालिसिस बना हुआ था उसने उसको मजीद एक्सटेंड किया वहां, एंड डेवलप्ड असेसमेंट अप्रोचेस। ही वर्कड ऑन पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस इन हिज रिसर्चेस एट द सेम टाइम। उसने एक ही वक्त में पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को इकट्ठा लेके चला, इनके कोलैबोरेशन को, इनके जो है वो कंबिनेशन को उसने चेक किया। आगे कहता है जी, जॉन रैश इज नोन फॉर डेवलपिंग द रैश टेक्निक इन साइकोमेट्रिक्स। देयर वाज फॉलोइंग 8 टेस्ट। उसमें उसने एक रैश टेक्निक दी जिसमें फिर उसने जो है वो ये 8 टेस्ट दिए, ठीक है। फॉलोइंग ओरल डायरेक्शन, जो ओरल डायरेक्शन का एक टेस्ट था, अरिथमेटिक रीजनिंग, प्रैक्टिकल जजमेंट, सिनोनिमस एंड एंटोनियम पेयर्स, डिसअरेंज्ड सेंटेंसेस, नंबर सीरीज, कंप्लीशन, एनालॉजीज एंड द इंफॉर्मेशन वगैरह, ये 8 टेस्ट उसने दिए। रैश क्रिएटेड अ टेस्ट कॉल्ड द बीटा दैट वाज यूज्ड विद पीपल हु वर इलिटरेट और हुज फर्स्ट लैंग्वेज वाज नॉट इंग्लिश। द बीटा टेस्ट बैटरी इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ विजुअल स्पेशल टेस्ट एंड मोटर टेस्ट सच एज नेविगेटिंग थ्रू मेजेस आर सीइंग द करेक्ट नंबर ब्लॉक्स इन अ 3 डायमेंशन। यानी कि रैश ने जो है वो बेसिकली एक टेस्ट डेवलप किया जिसको हम कहते हैं बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट बेसिकली उन लोगों के लिए था जो तो या तो बिल्कुल अनपढ़ थे या फिर उनकी जो मादरी जबान है वो इंग्लिश नहीं थी, वो किसी और जबान से ताल्लुक रखते थे, किसी और जो है वो कल्चर से ताल्लुक रखते थे। तो उसमें जो क्या था बेसिकली बीटा टेस्ट बैटरी में, टेस्ट बैटरी बेसिकली कहा जाता है जब ज्यादा सारे टेस्ट मिलके हम एक कम्बिनेशन बनाते हैं। यानी कि जिस तरह मैं टेस्ट बैटरी में कहूंगा कि मैं जब बच्चों पे एडमिनिस्टर करता हूँ तो मैं HFD करता हूँ, उसके अलावा मैं CPM करता हूँ, SPM करता हूँ, SDCT करता हूँ, और उसके अलावा जो मैं VABS भी करता हूँ, सिट भी करता हूँ, तो ये सारे टेस्ट मिलके क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड टेस्ट बैटरी। उसने एक टेस्ट बैटरी बनाई जिसमें उसने ये विजुअल स्पेशल टेस्ट और मोटर टेस्ट वगैरह जो है वो शामिल किए। Although Galton developed a method for studying the mental images, हालांकि ये जो mental images का उसने कहा टेस्ट था वो स्टडी करने का टेस्ट ये गाल्टन ने बनाया था, लेकिन R.S. Wordsworth एक शख्स था उसने इसको यूज किया टू टेस्ट द इमोशनल स्टेबिलिटी इन सोल्जर्स, सोल्जर्स की इमोशनल स्टेबिलिटी को जज करने के लिए। आगे आ गया जी, 10 मंथ बिफोर हिज डेथ रोशाख पब्लिश्ड साइको डायग्नोस्टिक। रोशाख का नाम आपने सुना होगा, रोशाख टेस्ट आपने शायद किया भी हो, हमने बहुत किया है कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ ICP कराची। रोशाख बेसिकली उसने अपनी मौत से 10 महीने पहले एक अपना जो है वो साइको डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक पेपर, या जो आप उसको बुक कह लें या उसको मैनुअल कह लें, उसने पब्लिश किया जिसमें उसने इंक ब्लॉट टेस्ट का जो है वो जिक्र किया, जो बाद में जाके विच लेटर प्रोवाइड उसके उसकी मौत के को 20-30 साल बाद जाके जो है वो फिर एक पूरी प्रोजेक्टिव टेक्निक बन गई, टेस्ट बन गया जिसको हम रोशाख इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। वो 10 इंक ब्लॉट्स में मुश्तमल होता है, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा मेरे पास अगर टाइम बचा तो। अच्छा आगे आ जाता है कि क्लेक्सोग्राफी इज द पॉपुलर गेम अमंग स्विस चिल्ड्रन। अच्छा ये जो इंक ब्लॉट है ना, इनकी बेस पे ही ना फिर एक गेम बनी क्लेक्सोग्राफी। उसमें क्या करते थे ये जो स्विस चिल्ड्रन थे ना, स्वीडिश से, इनके वे क्या करते थे, ड्रॉ इंक ब्लॉट ऑन पेजेस ऑफ पेपर एंड देन फोल्ड देम टू फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड बर्ड्स। तो वो स्याही के डब्बे जो है वो पेपर पे गिराते थे, फिर उसको फोल्ड करते थे, उससे वो चीजें और जो है वो परिंदे बनाते थे। द मायर्स बिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट वॉज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ कार्ल यॉन्ग। अच्छा एक और पर्सनैलिटी टेस्ट है, शायद आपने सुना होगा, मायर्स बिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट, ये बना था जी कार्ल योंग के काम पे, कंसिस्टेड ऑफ 16 पर्सनैलिटी टाइप्स। इन्होंने इसमें मायर बिग्स पर्सनैलिटी टेस्ट में 16 पर्सनैलिटी टाइप्स दी थी, कंपोज्ड ऑफ 4 मेन वेरिएबल्स, जो कि 4 मेन वेरिएबल्स से मिलके बनती थी। कौन कौन से, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सेंसरी इंट्यूटिव, फीलिंग, थिंकिंग एंड जजर परसीवर, ये 4 मेन वेरिएबल थे। इनकी बेस पे 16 पर्सनैलिटी टाइप जो है वो मायर्स बिग्स पर्सनैलिटी इंडिकेटर्स पे जो है वो टेस्ट बन गया था। आगे रहता है जी, एडवर्ड के स्ट्रॉन्ग वाज द साइकोलॉजिस्ट हु वांट टू नो पीपल्स जॉब इंटरेस्ट। एडवर्ड के स्ट्रॉन्ग एक साइकोलॉजिस्ट था जो लोगों की जॉब की तरफ जो रुझान था उसको जज करने में बड़ा इंटरेस्ट रखता था। ही स्पेंट 36 ईयर्स
वर्किंग ऑन अ टूल कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक। उसने एक स्केल बनाया 36 साल लगा के, जिसको हम स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक के नाम से जानते हैं। दिस टूल वॉज पब्लिश्ड इन 1927 एंड इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। ये 1927 में पब्लिश हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वक्त गुजरने के साथ साथ ये इम्प्रूव होता चला गया। तो दैट वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट।